नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो से बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों, अगर आप एक iOS यूजर है तो आपको ये बताओ कि iOS से किसी भी जगह पे जाने के लिए, किसी फाइल को या किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही झंझट का काम होता है और उसको बहुत दिक्कत होती है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो फ़ोन में तो ऐसे फ़ोन तो हो जाती है, बहुत ही मुश्किल जुगाड़ लगा के होती है, लेकिन कंप्यूटर में आप जो है वायरलेसली आप करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे यूएसबी काम नहीं करती है विंडोज़ कंप्यूटर में। अगर आप एप्पल मैकबुक चला रहे हो तो आप उसमें इजीली कर सकते हो, लेकिन विंडोज़ कंप्यूटर में क्या होता है कि आप उसको केबल लगा के एप्पल की जो फ़ोन है वो आप किसी भी डेटा को, चाहे वीडियोज़ हो गया, एक फ़ोटोज़ हो गया या किसी भी ऑडियो सॉन्ग है, कुछ भी आप जो फाइल ट्रांसफ़र एंड रिसीव नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा ईजी तरीके से आपको एप्पल जो अपना फ़ोन है, फ़ोन के अंदर किसी तरीके ऐप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंप्यूटर के अंदर एक मिनी सा एक ऐप इंस्टॉल करना होगा और आप ईजिली आपको विदाउट वाईफाई, विदाउट यूएसबी आप इसको रन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, वो कैसे करना है आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा लग जाएगी, लेकिन एक मिनट, इससे पहले आपको ये बता दूँ, अपनी जो आपके पास एक्स्ट्रा वाईफाई होने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है उसी हॉटस्पॉट से काम चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वाईफाई सपोर्टेड होना चाहिए तब जाके आप इसको ले सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको पूरा बताऊंगा कौन सी ऐप्स है, कैसे काम करती है और उसको रिसीव कैसे करना है, ट्रांसफ़र कैसे करना है। ठीक है, अगर आप जो iOS यूज़र है तो ऑफिसली आप जानने के लिए ये कोशिश करोगे कैसे काम करती है। ठीक है, तो लेट्स ही देखते हैं। सबसे पहले आपको जो एयर कॉपी को डाउनलोड करना होगा, जो अपने फ़ोन से आईफोन से अगर आप कंप्यूटर पे सारे डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा aircopy.com। तो इस यहाँ पे आने के बाद अपने कंप्यूटर के लिए अगर आप जो विंडोज 7 या 8, 10 जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, एक 3 MB का मिनी सॉफ्टवेयर है, इसको सबसे पहले आप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ईजिली इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली ये जो दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगी। दरअसल एयर कॉपी जो है यही वो एयर कॉपी है। सिंपल आपको जो इसको इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल करना कैसे है आपको पता है, इजीली आपको डबल क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से आप इसको यस करना है और कुछ जो परमिशन मांगे आपको सिलेक्ट करना है, उसको बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी मांगती है उसको दे देना है। ठीक है, और ये जो है आप बाई भी कर सकते हो, आप इसको ट्रायल वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो अभी तो ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे भी कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको आपको डबल क्लिक करना है और इसको ऑन करना है। ठीक है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कि 3-4 MB का होगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो आपको फ़ोन पे सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कैमरा को ओपन करना है ऐसा, आपको किसी तरह की ये जो ये देखो एक मिनट, मैं आपको सवाल ये दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन पे अभी जो हॉटस्पॉट चल रहा है ये देखो, ये मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और अभी जो आपको अगर आप जो PC टू फ़ोन पे लाना चाहते हो, कंप्यूटर से अपने फ़ोन पे लाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो आपकी जो फ़ोन है यहाँ पे QR कोड स्कैन करना होगा, तब जाके आपको कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस ऐप्स के अंदर सिर्फ आईफोन पे ही कर सकते हो, बाकी एंड्रॉयड फ़ोन पे आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, ये फीचर सिर्फ आईफोन के लिए दिया हुआ है। और अगर आप जब फ़ोन से PC पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये जो फ़ोन टू PC आपको करना होगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं कैमरा को ओपन करूँगा और ये QR कोड को स्कैन करूँगा और ये सीधा लेके जाएगी मेरे को सफारी पे। ठीक है, ये सफारी पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एयर कॉपी फाइल ट्रांसफ़र टू फ़ोन टू PC, यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल क्लिक करना होगा, आपको फोटो लाइब्रेरी एंड टॉप और वीडियोस लाइव एंड ब्राउजिंग। तो मैं यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं फ़ोटो जो कुछ भी है मैं उसको एल्बम पे जाता हूँ और जो कुछ भी होता है मैं दिखाता हूँ। तो मैं एग्जांपल एक वीडियो सेंड करता हूँ, समझ लो मेरे को एक वीडियो सेंड करना है, कौन सा वीडियो टू कौन सा, ये वाला वीडियो देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऊपर में जो ऐड का बटन है ना, यहाँ पे ऊपर का ऊपर में ऐड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये जो है जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा वीडियोस यहाँ पे आ चुका है, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी मोबाइल से भी दिखाता हूँ कि ये कौन सा है, ये वाला मैंने ओपन किया था। तो सेम टू सेम है। ओके, तो आपको अगर फ़ोन से अगर कंप्यूटर से लाना है तो सिंपली आपको जब PC टू फ़ोन पे करना होगा तो आपको दोबारा QR कोड स्कैन करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा आपको ये जो है आपको स्कैन कर लिया तो आपको दोबारा सफारी पे जाएंगे और यहाँ पर बता रहे कि ये देखिए यहाँ पर बता रहे फाइल टू ट्रांसफ़र PC टू फ़ोन। ठीक है, यह ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर पे है,
कंप्यूटर पे सिंपल आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाएगी आप कौन सा फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो। मैं एग्जांपल डाउनलोड पे ले जाता हूँ और डाउनलोड पे जाने के बाद कुछ फोटोज़ मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। यहाँ पे एग्जांपल मेरी एक फ़ोटोज़ है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगी, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आ चुका है। मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास इमेजेस आ चुका है। मैं अभी ये फ़ोटो सेंड किया हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास ये फ़ोटोज़ भी आ गए हैं। ठीक है, वायरलेस ही काम हुआ, किसी तरीके वायर वायर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो गया ना यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो एनीवे तो आप लोगों को जो कुछ भी था मैं आप लोग बता दें, और आप किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड मतलब पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।